हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एच पी जी चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बी ए बी कॉम बी एस सी ट्वेल्थ सप्लीमेंट्री छात्रों की चॉइस प्लेइंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपकी ट्वेल्थ क्लास में सप्लीमेंट्री आई है, और जैसा कि आपको पता है कि ट्वेल्थ क्लास का सप्लीमेंट्री का एग्जाम 14 सितंबर को हुआ है और अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है, तो दोस्तों रिजल्ट नहीं आया है तो बी ए बी कॉम बी एस सी यानी कॉलेज में हम जो कि एडमिशन कैसे लेंगे, चॉइस प्लिंग कैसे कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पहली बार विजिट करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी जानकारी पाने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं जो भी बोलूँगा आपको ध्यान से सुनना है, जिससे क्या है आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास में अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है, तो आपको क्या करना है चॉइस प्लिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने सबसे पहले फर्स्ट राउंड की बात कर लेते हैं, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, जो कॉलेज का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो आपको क्या करना है सीएलसी राउंड में। अब सीएलसी राउंड में ओनली आपको चॉइस प्लिंग करानी है। क्या करानी है? चॉइस प्लिंग करानी है। सीएलसी राउंड में चॉइस प्लिंग होना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, चॉइस प्लिंग कराना स्टार्ट हो गया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप चॉइस प्लिंग करा लीजिए। 16 सितंबर लास्ट डेट है, तो 16 सितंबर तक आप चूँकि चॉइस प्लिंग करा लें। ठीक है, चॉइस प्लिंग कैसे करना है वीडियो मैंने कंप्लीट बना दिया है। और दोस्तों, अब इसके बाद में आपको वेरीफिकेशन कराना होगा। तो वेरीफिकेशन है जो कि 17-18 तारीख तक करा सकते हैं। मैं इसका एग्जैक्ट टाइम आपको जो कि कम्युनिटी टैब में आपको बता दूंगा। तो अभी आप केवल एक काम करें, अभी आप ओनली चॉइस प्लिंग करा लें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन भी करा लें, और चॉइस प्लिंग होना स्टार्ट हो चुका है तो चॉइस प्लिंग भी करा लें। 16 सितंबर लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी अगर आपने चॉइस प्लिंग नहीं कराई है तो जल्दी करा लें, क्योंकि अगर आपकी चॉइस प्लिंग नहीं होगी तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। वेरीफिकेशन आप बाद में करा लेना। आपको अभी ओनली सीएलसी राउंड, जो सीएलसी राउंड चल रहा है उसमें आपको ओनली दो काम कराने हैं। एक तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और एक आपको चॉइस प्लिंग कराना है। क्या कराना है? दो काम कराने हैं, एक तो आपको रजिस्ट्रेशन और एक आपको चॉइस प्लिंग। ठीक है, अगर दोस्तों आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपको सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया फर्स्ट राउंड में, सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करा ली, इसकी जो फीस है 550 रुपये रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें चॉइस प्लिंग की। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फर्स्ट राउंड में चॉइस प्लिंग हुई नहीं थी, तो आपको सीएलसी राउंड में चॉइस प्लिंग ही करानी होगी। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में चॉइस प्लिंग कराना होगा। आज लास्ट डेट है चॉइस प्लिंग, जल्दी से जल्दी करा लीजिए। अगर आप आज वेरीफिकेशन नहीं करा पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप वेरीफिकेशन 2-3 दिन बाद तक करा सकते हैं, 18 तारीख तक। तो वेरीफिकेशन की चिंता ना करें। ठीक है, आपको दो काम करने हैं आज ही की डेट में, 16 सितंबर आज ही की डेट में, क्योंकि 16 सितंबर इसकी क्या है लास्ट डेट है। तो आपको जो भी करना है, रजिस्ट्रेशन का काम और चॉइस प्लिंग का काम, वो केवल आज ही करना है। तो दोनों काम आप फटाफट से कर लीजिए, जिससे क्या है आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में जिनकी सप्लीमेंट्री आई है। ठीक है, जिनकी सप्लीमेंट्री आई है, जिससे क्या है आपका एडमिशन हो जाएगा और आपकी साल वो खराब नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे क्या है सप्लीमेंट्री के जो भी छात्र हैं सभी छात्रों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जो भी आपके डाउट होते हैं इंस्टाग्राम मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।